पाक ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी, कॉमनवेल्थ गेम में फाइनल के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अपना बेस्ट नहीं कर सका वेदर की वजह से, इधर बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो पाकिस्तान में वेदर चेंज था, इधर आया डिस्टर्ब हुआ तो कोच साहब भी साथ नहीं थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शामी गेम पे जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान के लिए बेस्ट परफॉर्म दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा शजर, बताइएगा आप बतौखी से हैं, तो अपना ट्रेनिंग का बताएं, किस तरह शौक पैदा हुआ आपको, आपने किस तरह ये सारा इसको अपनी तरफ कैरी ऑन किया, थोड़ा सा अपनी अपने बारे में बताओ। जी पहले क्रिकेट का ज़्यादा जोश था, क्रिकेट खेलता था बस, तो मैट्रिक की तो लाहौर आया, पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में क्रिकेट खेलता रहा। तो बाद में यकदम मामू के बेटे ने कहा यार तुम एथलेटिक्स में ट्रायल दो, तो मैं एथलेटिक्स में ट्रायल देने के लिए गया, तो वहाँ 100-200 मीटर मैंने विन किया और पंजाब कॉलेज में सेकंड ईयर में एडमिशन मिला। तो सर बिल्ला साहब हैं मेरे पंजाब कॉलेज के, उन्होंने मेरे कोच राणा सजा साहब के पास मुझे भेज दिया, तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो अपने कोच राणा सजा साहब की वजह से हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी ज़्यादा ताकत दी तो इस मुकाम पर पहुँचा। शजर जी, इस एरिया में आप आए उस तरह यहाँ पे ट्रैक नहीं है, कितनी मुश्किल आई आपको इस सफ़र में यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी ना मिले तो किस तरह बंदा इसमें, तो क्या समझते क्या होना चाहिए आपको? जी ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी करवाई, फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जैसे बाहर के मुल्कों में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं प्लेयर को, वैसे हमें भी दी जाएँ तो हम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अब उसके लिए तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह हमें फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में दी जाए, हमारे जितने भी स्प्रिंटर हैं मेरे कोच साहब को दिए जाएं और हमें कैंप दिया जाए, तो इंशाल्लाह हम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए क्वालीफाई ओलंपिक्स के लिए।